दो इमेजनरी लाइन बनाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो लाइन जहाँ पर पास हो रही है वहाँ पर आपने अपना डोमिनेंट हैंड की हील लेनी है, ये वाला नोकीला वाला पार्ट जो क्या होता है सख्त होता है, उसको आपने यहाँ पर क्या करना है प्लेस करना है इस तरह से। दो 90 डिग्री के एंगल किस तरह से बनेंगे, पहले तो नॉन डोमिनेंट हैंड इसके ऊपर क्या करेंगे ऐसे करेंगे और इसको इंटरलॉक करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर, अब दो 90 डिग्री के एंगल देखो, नंबर वन क्या बन रहा है मेरे आर्म्स का, देखो बच्चों यहाँ पर मेरे आर्म्स का और ग्राउंड के साथ, ये फर्स्ट 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री मेरे थाई और ग्राउंड के साथ नजर आ रहा है, तो ये पोजीशन है। अगर पोजीशन सही नहीं होगी तो आपके चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होंगे। कितने कंप्रेशन देने 30 चेस्ट कंप्रेशन, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, 18 सेकंड, मिलके बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेक श्योर आपकी जो एल्बो जॉइंट है वो लॉक होने चाहिए। देखो ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पर, जब मैं चेस्ट अभी नहीं बैठा, जब चेस्ट कंप्रेशन करूंगा जब क्या जल रही थी, ग्रीन जल रही थी, तो आपने इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन के लिए ये लाइट क्यों होनी चाहिए ग्रीन। स्टार्टिंग अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दो सेंटीमीटर, दो इंचेस लेटरल यहाँ पर खड्डा है, तो यहाँ पर आप लोग फील करोगे कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। अगर आप सोचा मुझसे समझ नहीं आ रही तो अपने आप से क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप बायस्टैंडर से कहोगे कि आप बताओ कि इनकी ये नर्व चल रही है या फिर नहीं चल रही। तो अगर मिसाल के तौर पर ये एब्सेंट है तो आप किस पे जाओगे, चेस्ट कंप्रेशन पे जाओगे, और चेस्ट कंप्रेशन हम कितनी देंगे 30, कितनी सेकंड के अंदर 18। अब एक एक करके हर बंदा आ जाओ, हाँ ऐसे करके, हाँ अब थोड़ा सा आपने 18 सेकंड देने, 18 सेकंड में 30 चेस्ट कंप्रेशन देने, करके बताओ 2 3 4 5 6 7